iPhone 12 सीरीज। Apple iPhones के लिए तो यार एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है और iPhone 12 सीरीज काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है भाई। इस स्मार्टफोन के केस के स्टिकर्स भी लीक हो चुके हैं और कुछ लीक्स कह रहे हैं कि इस स्मार्टफोन में 4 कैमरास होंगे तो कुछ कह रहे हैं 3 कैमरास होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस iPhone 12 सीरीज के सबसे छोटे स्मार्टफोन iPhone 12 मिनी के बारे में। तो चलो बात करते हैं इसी iPhone छोटू के बारे में। हेलो गाइस, मेरा नाम लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। यार एप्पल हर साल काफ़ी तगड़े फोन्स लॉन्च करता है और इस साल लॉन्च होने वाला है अक्टूबर मंथ में iPhone 12 सीरीज, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं और जस्ट होने वाला है लॉन्च ही iPhone 12 सीरीज। और इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारे मॉडल्स होंगे। सबसे पहला जो है वो iPhone 12 मिनी, उसके बाद है iPhone 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। यानी कि इस साल iPhone 12 सीरीज में सबसे छोटे फोन से लेके सबसे बड़े फोन्स भी लॉन्च होंगे और इस साल जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी सारे होंगे iPhone 12 सीरीज में। लेकिन यार बात करते हैं iPhone 12 मिनी के बारे में, जो कि इस पूरे सीरीज का सबसे छोटा फोन होने वाला है। ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इस स्मार्टफोन में 5.4 इंचेस का डिस्प्ले होगा। जहाँ कंपनीज डिस्प्ले के साइज बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्प्ले हाथ में नहीं आ रहा है, वहाँ एप्पल अपने स्मार्टफोन्स के साइज को कम करता जा रहा है। यानी कि iPhone 12 मिनी का साइज लगभग इस स्मार्टफोन जितना होगा। अब इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले 4.7 इंचेस का है, लेकिन जो iPhone 12 है उसमें नॉचेज और जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो डिस्प्ले का साइज मतलब 5.4 इंचेस हो जाता है। और जब पूरा ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो इतना ही होगा, यानी कि कह सकते हो कि लगभग इतना साइज का iPhone 12 होने वाला है। और यार एक बार कंपेयर करके देखो कि मेरा हाथ कितना बड़ा है। और 2020 में इतने साइज का फोन एक काफी ज्यादा डाउनग्रेड लगता है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें काफी छोटे फोन पसंद हैं और इनफैक्ट काफी ज्यादा क्यूट भी दिखते हैं। यानी कि iPhone 12 मिनी का साइज लगभग एप्पल के पुराने फोन जितना होगा, लेकिन इसमें जो फंक्शनैलिटी और फीचर्स हैं वो 2020 के फोन्स को टक्कर दे सकते हैं। अब अगर डिज़ाइन की बात करें तो पूरे जो iPhone 12 सीरीज़ हैं उसमें काफ़ी अलग डिज़ाइन देखने को मिलता है। अब ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अलग सा लगता है क्योंकि इस स्मार्टफोन में साइड्स में कर्व्स नहीं हैं, एजेस में कर्व्स ज़रूर हैं, लेकिन साइड्स में एक स्क्वायरिश डिज़ाइन मिलता है। और इस स्मार्टफोन का सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि ये अपने आप खड़ा हो जाता है। अब ये फीचर इंस्टाग्राम रील्स और लाइकी वालों के लिए काफ़ी सही रहेगा। अब सामने डिस्प्ले के अगर डिज़ाइन की बात करें तो जो नॉच है और बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और नॉच काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो नॉच है वो काफ़ी छोटा होने के कारण जो डिस्प्ले साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फ़ोन का पूरा ओवरऑल साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और नॉच छोटे होने के कारण एक काफ़ी एच टू एच डिस्प्ले हमें मिलता है इस स्मार्टफोन में, तो ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। और इनफैक्ट iPhone 12 सीरीज़ में जितने भी मॉडल्स हैं उसमें जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिखता है और ऐसे स्क्वायरिश डिज़ाइन हमने पुराने iPhone से मिलते थे iPhone 6s वगैरह में। अब अगर iPhone 12 सीरीज़ के कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कैमरा काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है। कुछ लीक्स कह रहे हैं कि 4 कैमरास अवेलेबल होंगे और कुछ लीक्स कह रहे हैं कि ट्रिपल कैमरा अवेलेबल होगा, लेकिन भाई ये एप्पल है। कुछ कंपनीज दौड़ते हुए आके जंप करके 5 स्टेप्स कूद के आगे निकलती है और यहाँ पे एप्पल एक एक स्टेप धीरे धीरे लेता है। लेकिन भाई iPhones के प्राइस किडनी के दुश्मन ज़रूर होते हैं, लेकिन ये मानने वाली बात है कि एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। अब iPhone 12 मिनी में पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा मिलता है और सेल्फी कैमरा की बात करें तो उसी छोटे से नॉच के अंदर मिलता है अब हमारा सेल्फी कैमरा। अब डिज़ाइन कैमरा के डिज़ाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑब्वियसली इम्प्रूव्ड होगा। अब इस फ़ोन के परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में एप्पल का लेटेस्ट बायोनिक A14 चिप मिलता है। यार एक इमेजिन करके देखो कि काफ़ी छोटा सा फ़ोन जहाँ पे 5.4 इंचेस का डिस्प्ले है और इसमें पबजी अगर होता तो, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह जैसे गेम्स खेल सकते हो, काफ़ी हैवी गेम्स, तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और इतने छोटे स्मार्टफोन है भाई, इतने हैवी गेम्स खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा होगा ज़रूर, और गेम प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इसे इस तरीके से पकड़ सकते हो। तो साइज छोटा होने का ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। तो एप्पल का लेटेस्ट प्रोसेसर होने की वजह से परफॉर्मेंस में तो कोई भी कमी नहीं रहेगी, और एप्पल का ये सबसे अच्छा बात है कि फ़ोन जितना भी पुराना हो उसमें जो प्रोसेसर और फीचर्स होते हैं वो लेटेस्ट होते हैं। अगर जिसको लेटेस्ट फीचर्स के साथ एक कॉम्पैक्ट और छोटा फ़ोन चाहिए तो वो ऐसे फ़ोन से परचेज कर सकता है। तो सभी चीज़ मिला के iPhone 12 छोटू एक काफ़ी क्यूट और तगड़ा फ़ोन होने वाला है, यानी कि नाउ अडेज साइज डजेंट मैटर।
अब ओवरऑल आईफोन 12 सीरीज की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस भरपूर होंगे। स्टोरेज वेरिएंट्स के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल होंगे, तो सभी यूज़र्स अपने लिए एक परफेक्ट फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, तो एप्पल आईफोन 12 सीरीज जल्द ही लॉन्च कर देगा और अक्टूबर मंथ यानी कि 13 अक्टूबर का एस्टिमेटेड एक डेट है जहाँ पे ये आईफोन 12 सीरीज लॉन्च होगा और कुछ नए स्मार्टफोन्स के साथ कुछ नए डिवाइसेस और भी आ सकते हैं। अब ये ज़्यादा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आईफोन 12 सीरीज ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फ़ोन होने वाला है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। पसंद आया तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।